दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि क्या चार्ट बनने के बाद जब ट्रेन की टिकट बुकिंग बंद हो जाती है तब क्या जनरल वाला टिकट लेकर एसी क्लास में यात्रा कर सकते हैं। अगर जनरल वाला टिकट लेकर एसी क्लास में यात्रा करते हैं तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा और ट्रेन में यात्रा करने दी जाएगी या फिर नहीं करने दी जाएगी, रेलवे के नियम क्या कहते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पर पहला चार्ट भी ट्रेन का बन गया हो और दूसरा चार्ट भी बन गया हो, अब आपके पास मौका नहीं है कि आप टिकट ले पाएँ। चाहे आप वेटिंग का टिकट लें या काउंटर वाला वेटिंग टिकट लें, दोनों ऑप्शन बंद हो चुके हैं और ट्रेन आने में अभी टाइम है, तो क्या इस परिस्थिति में जनरल टिकट से यात्रा करें? आप कर सकते हैं, आपको अपनी मजबूरी टीटी को बतानी पड़ेगी और अगर ट्रेन में सीट खाली है तो आपको वो सीट भी अलॉट कर दी जाएगी। जितना किराया होगा उतना किराया आपसे लिया जाएगा, जो कुछ भी डिफरेंसेस बनते होंगे वो सब भी आपसे लिए जाएंगे और आपको एक रसीद बनाकर यात्रा करने की अनुमति दे दी जाएगी। अब दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि जनरल का टिकट लिया, आप जनरल में नहीं चढ़ पा रहे, स्लीपर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। सबसे बड़ा कारण तो आप लोगों को पता ही है कि अधिकतर ट्रेनों में से भारतीय रेलवे ने स्लीपर के कोचेस को कम करके एसी के कोचेस बढ़ा दिए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनको परेशानी हो, वो एसी क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं। दिवाली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, उस टाइम पर और ज़्यादा भीड़ होगी और उस समय और ज़्यादा लोग परेशान होंगे। अगर आप काउंटर वाला वेटिंग टिकट ले रहे हैं तो बात अलग है। अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है और आप जनरल टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ेंगे तो जितने का आपका टिकट होगा ना एसी क्लास में उसका जस्ट डबल, यानी कि अगर 1000 का है तो 2000 रुपये टिकट का आपको प्राइस देना पड़ेगा और आप ट्रेन में यात्रा कर पाओगे। सीट मिलना ना मिलना वो टीटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि त्योहारों के सीज़न में ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस समय ट्रेन में यात्रा करना सबके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिनके पास कन्फर्म टिकट है उनको भी, क्योंकि वेटिंग वाले लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वेटिंग वाले जो काउंटर वाला वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में आते हैं, रेलवे उनके बारे में क्या कहता है और उसके लिए रेलवे के नियम क्या है। अगर आपके पास वेटिंग वाला टिकट है और त्यौहार के सीज़न में आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, अगर किसी कन्फर्म सीट वाले पैसेंजर ने 139 पर कॉल करके शिकायत कर दी तो हो सकता है वेटिंग वाले पैसेंजर्स को ट्रेन से उतरने के लिए कहा जाए, या फिर उनको ये भी कहा जा सकता है कि आप जाइए स्लीपर में या किसी जनरल क्लास में आप यात्रा करिए। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय रेलवे के नियमों में कहीं पर भी ये परमिशन नहीं दी गई है कि आप वेटिंग वाला टिकट लेकर, चाहे वो ऑनलाइन वाला वेटिंग हो या फिर काउंटर वाला वेटिंग टिकट हो, आप यात्रा कर सकते हैं। वो तो टीटी लोगों की वजह से आप लोग ट्रेन में यात्रा कर पाते हो, वरना रेलवेज में ऐसा कोई नियम नहीं है। भारतीय रेलवे सीधे सीधे कहता है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और टिकट वेटिंग में ही रह गया है तो आप अपना टिकट कैंसिल कर लीजिए और रिफंड ले लीजिए। फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था रेल यात्रा से जुड़ा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। Thank you so much for watching the Rail Yatri channel and keep supporting.